गंगा के सौजन्य से मारवाड़ी कन्या पाठशाला में आज यहां बाल दिवस मेले का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में बच्चों के द्वारा जिस तरह से गुरु वंदना, गणपति वंदना, श्री कृष्ण लीला और फैब्रिक डांस जो पहली बार हम लोगों को यहां दिखा, साथ ही संस्कृत में जिस तरह से बिना किसी त्रुटि के निर्दोष स्पष्ट संस्कृत में पूरी नाटिका का मंचन आंगिक वाचिक अभिनय के साथ, ये अद्भुत प्रस्तुति थी। बच्चों को इसके लिए कोटि कोटि बधाइयाँ और उनके गुरुजनों और अभिभावकों, प्रधानाध्यापिका महोदया और आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। परंपरा की स्थाति को, संस्कारों की इस पूंजी को आगे ले जाना बहुत कठिन है, लेकिन जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है और जिस तरह से वो उसका निर्वहन कर रहे हैं उसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। पुनः पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, सबसे पुरातन भाषा है। हर दृष्टि से जिसको संस्कृत का अच्छा ज्ञान है उसे किसी भी अन्य भाषा को सीखने में बहुत कम समय लगेगा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और इसको समय की कसौटी पर सभी ने परखा है। तो संस्कृत का ज्ञान जिसको है, जिस छात्र को है, वो भविष्य में अन्य किसी भी भाषा या अन्य किसी भी विधा का ज्ञान प्राप्त करने में सहजता महसूस करेगा और आसानी से सीख सकेगा। अब लड़के लड़की में कोई फ़र्क शेष नहीं रहा है। जो लोग अभी भी फ़र्क कर रहे हैं ये उनकी संकीर्ण मानसिकता है और कुछ नहीं। किसी में लड़कियों में लड़कों से सक्षमता के स्तर पर कभी कोई कमी ना रही है ना होगी। सिर्फ उनकी क्षमता को उभारने की आवश्यकता है और उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ जो अच्छी होती है उसकी तारीफ करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रोत्साहित होकर अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। मुझे भी मेरे माता पिता और गुरुजनों ने बेहतर शिक्षा दीक्षा दी, रास्ते सही दिखलाए, जिसके कारण हम लोग जीवन में आगे बढ़ पाए। आयोजन में आप देख रहे हैं कि बच्चों मेला आयोजित किया गया है भारत विकास परिषद के सानिध्य में। बाकी हमारे बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम किए हैं जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जो हैं स्वप्निल जी हैं, पुलिस अधीक्षक स्वप्निल जी आए, हमारे मैनेजर साहब ललित मोहन अग्रवाल जी और भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारी। सर, उसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि हम ये नहीं सोच सकते कि एक सरकारी स्कूल के बच्चे जो है केवल मतलब कि आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये मानती हूँ कि वो कच्ची मिट्टी है। आप उनको इंग्लिश सिखाएं या संस्कृत सिखाएं, अगर हम मेहनत के साथ उनको कुछ भी सिखाते तो वो 100% परफॉर्म करते हैं। और इसका साक्षात उदाहरण आप देख सकते हैं कि बच्चों ने संस्कृत में जो उच्चारण किया है वो एक आसान बात नहीं है। ये जो बच्चे हैं हमारे जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, दशहरे की छुट्टियाँ, दिवाली की छुट्टियाँ, इन सभी में प्रॉम्प्ट बनाना है, डायलॉग्स लर्न करना, पूरी मेहनत इन बच्चों की रही। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सभी टीचर्स का भी, जिनके सहयोग से आज हम लोग एक दिन देख रहे हैं। बस के मौके पर एक इस विद्यालय प्रांगण में अनोखे रूप से बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस मेले के अंदर हमारे मुख्य अतिथि स्वपन किशोर जी ने समय दिया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और साथ साथ भारत विकास परिषद अविरल गंगा की तरफ से ये जो इतना मेहनत की गई, इतना मेले का आयोजन किया गया, मैं इनके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य, सभी शिक्षिकाएं और जिन्होंने इन आयोजन में मेहनत की है, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम सब इन्हीं मेलों से नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और सबको मिलने का, जुड़ने का, एकत्र होने का अवसर प्रदान होता है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ख़ास करके मेरे बच्चों को जिन्होंने कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, अब स्टेट लेवल पर जा रहे हैं, और मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि स्टेट लेवल पर भी वो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे।